सर, ये जो केस हुआ है, माही गिल और बाकी क्रू मेंबर्स ने बोला है कि उनको यहाँ पे असॉल्ट किया गया है, और ये दे हैव आल्सो एलिज्ड कि पुलिस का इनएक्शन था इसमें। आप ये केस को कैसे एक्सप्लेन करोगे? वहाँ पे शूटिंग चालू थी, पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी या इन्होंने कोई परमिशन भी नहीं दी। ये जो स्पॉट सिलेक्शन करवाने दुख रूप में वो झगड़ा था, लेकिन वो वहां पे जाके कुछ क्रू मेंबर को मारा गया था। तब जब पुलिस को जैसे ही मालूम पड़ा उधर झगड़ा चालू है, पुलिस गई, तब वहां पे शूटिंग का कोई बंदा हाजिर नहीं था। बाद में असिस्टेंट डायरेक्टर आहूजा साहब आके एफआईआर किया, उन्होंने भी पुलिस के खिलाफ कुछ एलिगेशन वगैरह नहीं किया। सर, बट देन व्हाई दिस एलिगेशन हैज बीन मेड? ये एलिगेशन क्यों बना किया जा रहा है सोशल मीडिया पे प्रिसाइसली कि पुलिस ने ना कि इनएक्शन किया बट पैसा भी लिया उनसे? तो सीरियस एलिगेशन है। फिर क्यों किया गया? वो करने वाला बंदा अभी तक सामने आया नहीं, कोई स्टेटमेंट देने के लिए आया नहीं अभी तक। जब आएंगे तब हमको वो भी पूछा जाएगा कि क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि पुलिस जब पहुंची तो कोई ये जो एलिगेशन करने वाले है ये अभी तक कोई सामने आया ही नहीं हमारे, और हमारे उनसे अभी तक कुछ मुलाकात ही हुई नहीं था। क्यों एलिगेशन कही है तो वो भी उनको पूछा। बट व्हेन एन एलिगेशन इज मेड कुछ तो तथ्य होगा, या आप पूरा खारिज करते हो कि सब गलत बोल? गलत एलिगेशन जो एफआईआर दाखिल हुई और असिस्टेंट डायरेक्टर आए थे उन्होंने भी कभी इस बात का जिक्र नहीं किया है। मैं लास्ट क्वेश्चन टू यू कि जो क्रू मेंबर्स है वो बोल रहे हैं कि हमने 100 नंबर पे कॉल किया था, हमें स्विफ्ट एक्शन नहीं मिल पाया। नहीं, मुझे राह चलते एक आदमी ने यहाँ पे कुछ तो भी बहुत भीड़ हो गई और शूटिंग चालू है तो कुछ भी चल रहा ऐसा जब मालूम पड़ा तब पुलिस वहां पे पहुंची थी, लेकिन पुलिस को कोई भी बंदा वहां पे मिले नहीं क्योंकि वो निकल गए थे, पुलिस किसको मिली भी नहीं है। तो ये जो एलिगेशन है वो बिल्कुल झूठा है। थैंक यू सर।